हमारे पास ये हाउसिंग आता है राइट, जहाँ पे स्टील कटवा के मोल्ड डाई थ्रू ये पूरा हाउसिंग रेडी होता है। उसके बाद इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट लाइक हम लोग देख पाएंगे कि ये यहाँ पे बन रहा है साउंडर का पार्ट राइट, उसकी जगह पे ये सारे जो छोड़ है उसके साथ ये अटैचमेंट होते हैं लाइक जहाँ पे हमारा पीसीबी का बैटरी का सब कनेक्शन होता है राइट। उसके बाद इसका जो मेन पार्ट जहाँ से हम लोग डिटेक्शन लेते हैं वो हमारा रहता है प्लंजर वाला पार्ट, वो पार्ट यहाँ पे बनाया जाता है ये दो पार्ट में। उसके बाद हमारे इसके अंदर जो बैटरी यूज होती है जो वूफर कंपनी की बैटरी में हम लोग 3C बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो वाला यहाँ पे उसके साथ कनेक्टर के थ्रू कनेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अभी पीसीबी पार्ट राइट, ये हमारी डिज़ाइन की हुई पीसीबी जो पीसीबी मैन्युफैक्चर रहते हैं वहाँ से ये पार्ट आते हैं। उसके बाद उसमें वेरियस कंपोनेंट यहाँ पे लगते हैं, सबसे पहले उसमें ऑटोमेटिक मशीनिंग सोल्डरिंग के थ्रू ये सारे पार्ट लगते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट आप देख रहे हैं GSM डायलर हुआ, फिर ये कंपोनेंट रजिस्टर ये IC वगैरह सब। उसके बाद हमारे यहाँ पे मैन्युअली ये सारे पार्ट उस पर लगते हैं जो आप देखते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग DIP यानी कि थ्रू होल पार्ट, सारे यहाँ पे वो काम हो रहा है पूरा, फर्स्ट स्टेप देन सेकंड स्टेप देन यहाँ पे फाइनल वायरिंग होता है। जो हमारी PCB है मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक से, जो हमारा PCB है उसके साथ जितने भी कनेक्शन है लाइक बैटरी का हुआ, साउंडर का हुआ, ये स्विचिंग का हुआ, फिर यहाँ पे LED का वगैरह जो है एंटेना का हुआ, वो सारा यहाँ पे फाइनलाइज होता है। उसके बाद जाएंगे हम लोग टेस्टिंग यूनिट में, यहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है बकायदा सारा, आप देख पा रहे हो कि इसमें से मैसेजेस के अभी देखो आ गया शटर, अभी आ गया कॉल, ये सारा सिस्टम यहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद फाइनली ये QC का लेबल लगता है कि क्वालिटी चेक, अगर ये सही है तो ये आगे चला जाएगा पैकेजिंग यूनिट में। मैं आपको दिखाता हूँ हमारा पैकेजिंग यूनिट, यहाँ पे फाइनली पैकेजिंग होता है सारा। यहाँ पे पैकेजिंग होने के बाद ये ऑर्डर प्रोसेस होता है सारा, आज का जो भी ऑर्डर होगा ये प्रोसेस होकर आगे चला जाएगा। इसके बाद आपका जो जो क्वेरी है क्वेश्चन है वहाँ पे हमारा लाइव सपोर्ट रहता है, यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का AM इंटरनेशनल कंपनी में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मार्केटिंग, सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखी है, तो आगे हम इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ और किस तरीके से करना है वो बताने वाले हैं। साथ ही इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में निवास करते हों, कहीं पर भी रहते हों, आप एक छोटी सी लागत लगा करके इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर घर वाले इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। साथ ही जो छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, मतलब कि सभी दुकानदार इस प्रोडक्ट को अपने यूज के लिए जरूर खरीदेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को करके लॉकडाउन में भी पैसा कमा सकते हो और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही पैसा कमा सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी A to Z इस वीडियो के अंदर मिल जाए और आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और इस बिजनेस को आप अच्छे से शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र डाभी है, मैं इस कंपनी का MD हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स है उसके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ऑल इंडिया सेल कर रहे हैं। ये सारी प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना हो, अगर आप डायरेक्टली कंपनी से जुड़ना चाहते हो तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या हमारा चैनल पार्टनर के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। लाइक आप डीलर बन सकते हो हमारे, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, वो आप चूज कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से। यानी आप ये समझ लो कि इसमें छोटे से अमाउंट, यानी कि एग्जांपल दूं तो 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो ये बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट अराउंड 150% से लेके 350% तक के सारे इसमें प्रॉफिट क्राइटेरिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पूरी प्रोडक्ट रेंज क्या है और उसके यूज़ क्या है, वो किसको, उसको किस तरह से सेल कर सकते हैं, उसको किस तरह से ऑपरेटिंग किया जा सकता है, कैसे आप ये प्रोडक्ट लगा के
चोरी से बच सकते हो दोस्तों। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं पहले शटर सिक्योरिटी के सिस्टम के बारे में, हम लोग सबको ही थोड़ा बहुत जानते हैं जो शटर सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है, फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दें उनको समझने के लिए। सो ये जो है बेसिक प्रोडक्ट है जिसमें GSM नहीं है, सिर्फ इसमें एक सायरन है और ये काम करता है सिर्फ एक की के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो की को जो है सिर्फ ऑन करके चले जाना है, शटर को गिरा देना है और जैसे ही कोई शटर उठाएगा तो इसमें सायरन बजेगा और इस की के थ्रू ही जो है हम इसको ऑफ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना, और घर में अगर कोई बूढ़े बच्चे हैं या कोई बच्चे हैं या कोई लेडीज़ है तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। इसको हम जो है जैसे किसी का शटर, मतलब बेसिकली देखिएगा कि नीचे में दुकान है, ऊपर में रहते हैं या पीछे में रहते हैं, तो उस केस में वो सब शटर में हम ये लगा सकते हैं, गैरेज में लगा सकते हैं। सो कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर कोई अगर GSM बेस में बात करना चाहे तो फिर हम ये प्रोडक्ट उनको देते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी की सिस्टम नहीं रहता है, सिर्फ एक स्पीकर रहता है और अगर आपका ये कोई चोर घुसने की कोशिश किया तो ऑटोमेटिकली 5 नंबर से में कंटिन्यूसली कॉल चला जाएगा, मतलब एक के बाद एक जो है कॉल जाता रहेगा। ये तब तक जाता रहेगा जब तक कोई एक जो है उसको ऑफ ना कर दे। सो ये बेसिकली GSM सिस्टम का है। फिर अगर कोई सपोज़ कोई ऐसा सोने का दुकान है, वो लोग हमेशा मांगते रहते हैं कि शटर अगर कोई काट के घुस गया तो क्या होगा, तब हम ये देंगे। ये देखने में नॉर्मल GSM शटर जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि PIR मोशन सेंसर लगा हुआ है जो आपका फायर और आपका मोशन भी जो है डिटेक्ट करता है। तो ये क्या होगा कि अगर कोई शटर को नहीं उठाया और वो काट के शटर में जो काट के घुसना चाहा तो फिर ये सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली जो है इसमें सायरन बजेगा और कॉल चला जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि मल्टी शटर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारा ऐसे गारमेंट्स का दुकान है, बहुत सारा आपका मतलब कंपनीज है जहाँ पर 2-3 शटर रहते हैं, आपका गारमेंट्स का दुकान, आपका सोने का दुकान, कहीं पर भी फ़ोन का दुकान, बड़े बड़े जितने भी दुकान है वहाँ पर देखेंगे 2-3 शटर लाइन में रहते हैं। तो उस केस में जो है ये मल्टी शटर यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक जो मेन शटर है उसमें हम मेन डिवाइस यूज़ करेंगे और उसके साथ जो छोटे छोटे मतलब और भी जो शटर रहेंगे उसमें ये छोटे वाला जो वायरलेस सेंसर है इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इसको कैसे काम करता है, क्या करना मतलब कैसे हम अटैच करेंगे, वो सारा हम ट्रेनिंग के थ्रू जो है आपको सारा चीज़ जो है बता देंगे। उसके बाद आते हैं डोर। तो ये शटर जहाँ पर है वो तो लगा देंगे, लेकिन अगर किसी के पास डोर है, जैसे आपका ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पर एक डोर नहीं रहता है, सो ऐसे केस में क्या है हम ये डोर को यूज़ करेंगे। इसमें भी सेम है जैसे शटर के जैसा ही है, मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नॉन GSM शटर है, इसमें कोई भी GSM नहीं है। फिर अगर कोई बोलता है कि मुझे GSM चाहिए तो वो भी यहाँ पर है, अगर कोई बोलता है मुझे 2-3-4 सेंसर लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। सो 2-3-4 सेंसर के मतलब क्या है कि अगर आप कोई चाहता है कि ये मल्टी डोर के साथ हम एक शटर लगाएं तो वो भी हम अटैच कर सकते हैं। फिर कोई अगर बोलता है कि PIR मोशन सेंसर लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर अगर कोई बोलता है कि तो डोर लगाना चाहते हैं, डोर सेंसर अलग से पीछे के कोई दरवाजे के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 जो सेंसर है हम इस डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हैं। सो मल्टी शटर में भी अटैच कर सकते हैं, डोर में भी अटैच कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ये शटर और डोर का जो सिक्योरिटी डिवाइसेस है उसके ऊपर जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, अभी काफ़ी अपने पास डिमांड आता है जो कि ना है होम सिक्योरिटी का। मतलब मेरा जो इतना कीमती जो मेरा फ्लैट है, घर है, दुकान घर है, उसको अगर मुझे सिक्योर करना है तो हम लोगों को क्या कॉम्प्लीट सिक्योरिटी सिस्टम मिल सकता है। तो उसके लिए जो अपना नया इन्वेंशन है दैट इज़ Eco 5 डिवाइस, इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें 12 सेंसर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मैक्सिमम 12 जोन जो है 12 सेंसर के साथ आप पूरा अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ये मोशन सेंसर आता है, डोर सेंसर आता है, तो आपका मान लीजिए कोई भी दरवाज़ा है, पीछे का कोई दरवाज़ा है, आगे कोई दरवाज़ा है, कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे कोई चोरी हो सकता है, कोई घुस सकता है, उधर आप इस टाइप का जो सेंसर है ये पुट कर सकता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है, ये सेंसर ये मेन डिवाइस को सिग्नल भेजता है और कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट होता है या फिर चोरी होता है, इमीडिएटली आपका जो जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसमें 1x1 कॉल मैसेज चला जाता है। तो मेन बेनिफिट क्या होगा इसमें, रियल टाइम में आप दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर इधर सिग्नल स्ट्रेंथ है, इसमें रिचार्ज किया हुआ है और प्रॉपर अगर सिग्नलिंग है तो आपके पास इमीडिएटली वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप चोरी इसमें रुक सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए किसी को चाहिए कि GSM खाली नहीं, मतलब सिम वाला नहीं चाहिए, उसमें वाईफाई भी चाहिए, तो उसके लिए अपने पास जो डिवाइस है ये है Eco 6 एडवांस्ड वर्शन।
तो इसमें क्या होता है, आप 25 सेंसर्स तक इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मेन बेनिफिट क्या है, सिम तो आपका प्रोवाइड कर ही सकते, इसके साथ वाईफाई भी है, मतलब जितना भी सेंसर है ये आप वाईफाई से, जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलेगा उसके थ्रू से भी आप इसको अटैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इसको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है और रियल टाइम में आपको सब चीज़ इसमें इमीडिएटली कॉल मैसेज ये आ जाता है। अभी अपना जो नया और एक डिवाइस है जो बेसिकली फुल्ली कमर्शियल पर्पस में है, मतलब जो आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका मान लीजिए कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़ा मार्केट हो गया, जहाँ पे बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली आपको इतना ज़्यादा सेंसर चाहिए, पूरा बिल्डिंग को सिक्योर करना है, उसके लिए अपने पास जो नया डिवाइस है ये लेटेस्ट लॉन्च है, इसका नाम है हाइब्रिड 10। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिसके साथ आप 99x10 मतलब 990 सेंसर, आप नियरली 1000 सेंसर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, इसमें वायर्ड आप सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस सेंसर भी यूज़ होता है। उसके बाद अपने पास जो बाइक सिक्योरिटी, कभी कभार होता है कि ये होम सिक्योरिटी, शटर सेफ्टी, ये तो डिवाइस ऐसी है, इसके साथ जो ऑटोमोबाइल जो बाइक सिक्योरिटी का जो डिवाइसेस है उसको हम लोग बोलते हैं बाइक सिक्योरिटी, जो GSM बेस्ड डिवाइस। इसमें क्या होता है, कोई भी आपका बाइक में थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है या फिर किसी ने बाइक को आपका जो लॉक है वो तोड़ के चोरी करने की कोशिश किया, इमीडिएटली जो जो रजिस्टर्ड नंबर उस पर रहेगा उधर से आपको एक तो बाइक पे आपका बहुत जोर से इसको साइरन बजेगा और 1x1 आपका रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल मैसेज आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो ये है आपका बाइक सिक्योरिटी सिस्टम। अभी उसके बाद एक और एक डिवाइस है जो कि ना मान लीजिए कि शटर में आपको लगाना नहीं है या फिर होम सिक्योरिटी को, ये मार्च करके हम लोगों ने एक नया डिवाइस लॉन्च किया है जो आपका वॉल पे कहीं पे भी आप लगा दीजिए इसको। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये डिवाइस को हम लोग बोलते हैं डुअल PIR GSM बेस्ड डिवाइस। इसमें क्या बेनिफिट है, कोई भी मोशन या फिर ह्यूमन बॉडी ये डिवाइस के ये सामने से क्रॉस करता है ना, तो इमीडिएटली इसको साइरन बजता है और आपके पास 1x1 कॉल मैसेज आ जाते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, दिस इज आवर लेटेस्ट इन्वेंशन, दिस डुअल PIR GSM बेस्ड डिवाइस। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट GSM बेस्ड बाइक सिक्योरिटी सिस्टम। इस बाइक सिक्योरिटी सिस्टम क्या करती है, जनरली हमारे पास बाइक और कार के लिए सिक्योरिटी अलार्म, जो लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी हमारे पास है, वो है सिर्फ GPS। और GPS ट्रैकिंग सिस्टम में चोरी होने के बाद आप उसको ट्रैक कर पाओगे ना, आपकी उससे कोई चोरी रुकने वाली है। तो आज ये प्रोडक्ट दिखाएगा कि आप कैसे अपनी बाइक को चोरी होने से पहले ही बचा लेते हो, राइट। सबसे पहले फीचर्स की मैं बात करूँ तो आप इसको रिमोटली, यानी आपके मोबाइल ऑपरेटेड पूरा बाइक है। आप मान लो मैं अभी यहाँ से एक मैसेज डाल रहा हूँ, स्टार्ट करके मैं मैसेज डाल रहा हूँ अभी, तो इंजन ऑटोमेटिक कहीं से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही मैसेज यहाँ पे पहुँचेगा ऑन द स्पॉट बाइक स्टार्ट हो जाएगा विदाउट की, राइट। आप एनी टाइम उसको स्टॉप भी कर सकते हो। अभी मैं मैसेज कर रहा हूँ बाइक स्टॉप का, तो अभी जैसे ही मैसेज पहुँचेगा बाइक स्टॉप हो जाएगा, ये हो गया स्टॉप। अभी मुझे इसको एक्टिव और डीएक्टिव कैसे करना है, मुझे सिर्फ सिंपली उसको एक कॉल करना है। कॉल करने के बाद जैसे ही यहाँ पे कॉल जाएगा, कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा और इंजन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अभी आप जो बिल का साउंड सुने, यानी कि अपना सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, पांचों नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका सिस्टम किसने एक्टिव किया है। आपका बाइक सिक्योरिटी अभी ऑन हो चुका है। अगर मैं मान लो चोर हूँ और यहाँ पे अपने हैंडल लॉक लगाया और इसको मैं तोड़ना चाहा, हैंडल लॉक सीधा साइलेंस स्टार्ट हो जाएगा, पांचवा नंबर पे SMS आ जाएगा, कॉल भी आ जाएगा। जब तक मैं इसको वापस डीएक्टिव नहीं करता तब तक ये साइलेंस बचता रहेगा और कॉल और मैसेज इस तरह से शूट होता रहेगा। अभी मैं इसको डीएक्टिव कर रहा हूँ। सिंपली अपना जितना एप्लीकेशन में एक सिंपल टच से आप पूरा बाइक ऑपरेट कर सकते हो। तो आपने ये देखा कि अगर हैंडल लॉक तोड़ने के चांस में क्या होगा, अगर कोई बंदा हैंडल लॉक तोड़ के आपका लेके जा रहा है, क्योंकि बाइक का हैंडल लॉक तोड़ना एक 5 सेकंड का काम, राइट। और दूसरा सीनेरियो मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी मेरा बाइक का सिस्टम एक्टिवेटेड है। आपकी चाबी हो या ओरिजिनल डुप्लीकेट जो भी चाबी हो, कोई चाबी से खोलने की ट्राई करेगा, जैसे ही चाबी इंसर्ट करके ऑन करने की ट्राई करेगा, बाइक ऑन है, बाइक ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इंजन लॉक हो चुका है और अपना सिक्योरिटी ऑन।
खड़ोत्तन, खड़ोत्तन यानी कि और किस तरह से। तीसरा जो सबसे आसान तरीका है बाइक चोरी करने का, अभी हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। मान लो यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे जो वायरिंग है उसको छेड़छाड़ करने से, जो हम बोलते हैं डायरेक्ट करने के बाद, वो सिंपली किक लगाना है, डायरेक्ट हो चुका है अभी। और किक लगाने के लिए जैसे ही वो किक पे ट्रैक करेगा, ऑन द स्पॉट मेरा बाइक स्टार्ट हो जाएगा, यानी सिक्योरिटी ऑलरेडी अलर्ट पे है और मुझे मैसेज भी आ गया है, आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ ही है कॉल भी आना शुरू हो गया, विद इन 5 सेकंड आपको सारे नंबर पर कॉल आ जाएगा। और जब तक मैं इसको रिएक्टिव नहीं करता, ये चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि इस प्रोडक्ट का कहां यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज करना है, और प्रोडक्ट का जो लाइव डेमो है वो भी आपको दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट और एड्रेस दोनों दिया गया है। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको एक और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।